YouTube पे सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसी के साथ कंसिस्टेंसी भी रखना पड़ता है। तो सभी यूट्यूबर्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स तुक्के में वायरल हो जाते हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आज के समय में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसे ही हार्ड वर्किंग यूट्यूबर जो है सौरभ जोशी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है यूट्यूब पे सक्सेस होने के लिए, तो आज के वीडियो में हम लोग उनके लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी, उनका एज बताऊंगा, उनका फैमिली बताऊंगा, उनका बायो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो देखना वीडियो को एंड तक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे इनके बायोग्राफी के बारे में। तो इनका फुल नेम सौरभ जोशी है, इसी के साथ ये इंस्टाग्राम स्टार और यूट्यूबर है प्रोफेशन से। इनका जन्म 8 सितंबर 1999 में देहरादून में हुआ था। 2021 के हिसाब से ये 22 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और अभी के समय पे ये हरियाणा में अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। बात करेंगे इनके एजुकेशन के बारे में। तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग देहरादून के एक लोकल स्कूल से कंप्लीट की, उसके बाद इन्होंने अपना 12th कंप्लीट करने के बाद इन्होंने ड्राइंग में अपना करियर बनाने का सोचा, जिसकी वजह से इन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का कोर्स भी पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। बहुत ही मेहनत करने के बाद ये आज के समय पे इतना अच्छा ड्राइंग कर पाते हैं। अब बात करेंगे इनके YouTube करियर के बारे में। तो ड्राइंग में महारत हासिल करने के बाद इनके छोटे भाई जो साहिल जोशी है, उन्होंने आइडिया दिया YouTube पर अपने ड्राइंग का हुनर दिखाने के लिए। तभी इन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया और उस पर अपने ड्राइंग बनाते हुए एक वीडियो अपलोड कर दी। शुरुआत में इन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन जब इन्होंने 150 से 200 वीडियो अपलोड कर दी कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ, तब इनके वीडियो पे अच्छे खासा व्यूज और साथ में पैसे भी आने लगे। लेकिन 19 फरवरी 2019 को इन्होंने अपना दूसरा चैनल बनाया, जिसपे इन्होंने 20 फरवरी 2019 यानी अगले दिन ही एक वीडियो अपलोड किया, जिसपे इन्होंने MS धोनी का ड्राइंग का ट्यूटोरियल दिया था। उसके बाद इसलिए सफलता तब मिली इनको जब लॉकडाउन हुआ और सभी लोग घर पे ही रह रहे थे, तब घर पे सिर्फ मोबाइल ही चलाते लोग, क्योंकि और कोई तो काम था नहीं। तब इन्होंने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, उसी चैनल को रीनेम करके इन्होंने सौरभ जोशी ब्लॉग्स कर लिए। उस पे 365 डेज में 365 ब्लॉग्स डालने का इन्होंने चैलेंज भी किया और उसे कम्प्लीट भी किया, जिसके बाद इनका चैनल रफ्तार पकड़ लिया और आज के समय पर उस पर 6 मिलियन के अप्रोक्स में सब्सक्राइबर है और बहुत ज़्यादा इनकम भी वो जनरेट कर रहे हैं। अब मिलवाता हूँ उनके फैमिली से। तो इन फोटोज और वीडियोज में उनके फैमिली की झलक आप लोग देख सकते हैं। अब बात करेंगे उनके इनकम के बारे में। तो उनका दो दो चैनल है, एक सौरभ जोशी आर्ट्स और सौरभ जोशी ब्लॉग्स, दोनों चैनल को मिला के वो पर मंथ 10 लाख के अप्रोक्स में कमा लेते हैं। अब बात करेंगे इनके बाइक कलेक्शन और कार कलेक्शन की। तो इन्होंने कुछ ही दिन पहले टोयोटा कंपनी की इनोवा क्विस्ट्रा कार ली है, जिसकी इंडिया में प्राइस 23 लाख रुपए है। और बात करेंगे बाइक कलेक्शन की, तो इन्होंने फिलहाल ये एक KTM ड्यूक लिया है जिसका कॉस्ट है 1,70,000, और साथ में इनके पास एक हीरो होंडा भी है जो इनके भाई के